निवास पर आज होगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। बता दें दोपहर 12 बजे होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। आपको जानकारी दे दें भोपाल की 1100 लाडली बालिकाएं वहीं 500 अभिभावक रहेंगे मौजूद। सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन जिले में 100-100 लाडली बालिकाएं शामिल होंगी। आपको बता दें लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित ग्राम पंचायतों को पुरस्कार वितरित कर लाडली लक्ष्मियों को आश्वासन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो भोपाल की 1100 लाडली बालिकाएं रहेंगी वहीं 500 बालिकाएं, और आपको जानकारी दे दे कि उन्हें पत्र भी वितरित किया जाएगा। देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लाडली लक्ष्मियों को आश्वासन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कुलभूषण, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानकारी लेंगे। कुलभूषण, आज बालिकाओं को भी सम्मानित किया जाएगा, अभिभावक भी वहां पर मौजूद रहेंगे जब प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल और किस तरह की तैयारियां, क्या जानकारी आपके पास? देखिए आज मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा, और इस उत्सव की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री निवास में 2000 से अधिक जो है लाडली लक्ष्मी इस उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में ये कार्यक्रम शुरू होगा। लाडली लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से मामा अपनी भांजियों को तमाम सौगातें देते हुए नजर आते हैं, और ये वही योजना है जिसकी देश ही नहीं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी ये योजना को अपनाई थी, और इसके साथ ही विदेशों में भी इस योजना की तारीफ की गई थी। मुख्यमंत्री अपने हर कार्यक्रम के पहले सबसे पहले जो है लाडली लक्ष्मी छोटी छोटी जो भांजियां हैं उनकी जो बच्चियां हैं उनकी पूजा करते हैं, और उसके बाद किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज भी लाडली लक्ष्मी उत्सव के अंतर्गत सबसे पहले कन्याओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अगर उसके पहले बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम लाडली लक्ष्मियों के साथ आज स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर बात की जाए तो कार्यक्रम में 1100 लाडली लक्ष्मी और 500 अभिभावक जो है वो मौजूद रहेंगे। तकरीबन 500 से अधिक जो है लाडली लक्ष्मियों को, जो नई लाडली लक्ष्मी है जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा, इन्हें जो है पत्र दिया जाएगा। तो एक बड़े ही उत्सव के रूप में यह पूरा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास में आयोजित होगा, और तकरीबन 2000 से अधिक मध्यप्रदेश की जो लाडली लक्ष्मियां हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगी। छोटी छोटी बच्चियों को जो सौगातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है, लगातार वो उनके बीच जाते हैं, कार्यक्रम से पहले उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और सरकार की तरफ से एक ये बड़ी सौगात जो लाडली लक्ष्मियों को दी जाती है उनके एजुकेशन से संबंधित हो या फिर उनके खान पान से संबंधित हो, उनके रोजगार से संबंधित हो, तो इस योजना का एक बड़ा लाभ जो है बच्चियों को मिलता है। और बच्चियों के साथ साथ जब इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में की थी तो इसकी सराहना देश के प्रधानमंत्री सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी किए थे, विदेशों में भी इस योजना की तारीफ हो चुकी है। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है आज लाडली बहनों को काफी राहत भी मिलती है, और जब मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित भी करते हैं, और यही वजह है कि आज 12 बजे भी जब वो सम्मानित करेंगे। फिलहाल कुलभूषण आप बने रहिएगा, एक बार फिर से